कंसिडर्ड होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप है लॉरेंस के लिए कि इस सिचुएशन में जब सिचुएशन हो तो उसमें हमें इस ऐसे मैटर्स को आई को लेकर जाना चाहिए। इसी तरह ला गलत होता है। इसी तरह पेंडेंसी ऑफ अपील बिफोर कमिश्नर एज वेल एज बिफोर ट्राइब्यूनल, उसमें स्टे का मामला आता है। हमने इस्लामाबाद में इस इशू पर बहुत काम किया, बड़े बड़े स्टे कराए, सैकड़ों केसेस में हमने स्टे कराए। जस्टिस व्यास साहब थे, उसके बाद मुल्ला कुरैशी साहब थे, उनसे भी हमने बहुत केसेस करवाए। मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, अब आजकल मियाँ रणदेव साहब हैं, उनके पास हमारे केसेस लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप था, इसको हम नैरो कर दिया गया। अब जो लेटेस्ट इस पर सूरत हाल बन गई, पहले हम करते थे कि कमिश्नर के पास अपील की, 5-6-7 दिन गुजारे और रिट करके जाके हाई कोर्ट से स्टे भी करवा लेते थे, आउट ऑफ टर्न अपील भी रिकमेंड करवा लेते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कोर्ट्स ने भी देखा, महकमा भी विजिलेंट हुआ, तो अब सिचुएशन ये हो गई है, वो कहते हैं कि नहीं, आप अपने पहले नॉर्मल रेमेडी एग्जॉस्ट करके आए। बाद में आपको पता है कि कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग या अपील में कमिश्नर के पास पावर आ गई स्टे की। पहले इनहेरिटेड पावर तो हमेशा से हर लॉ में मौजूद है, लेकिन स्पेसिफिक पावर आ गई। जब वो आ गई तो फिर कोर्ट्स ने हमें कहना शुरू किया कि नहीं, पहले वहाँ जाएं, अगर वो रिफ्यूज करेंगे तो फिर हम देखें। फिर ये हुआ कि पूरा पीरियड बड़ा लंबा गुजरा कि कमिश्नर अपील रिजेक्ट करते थे, हम हाई कोर्ट में चले जाते थे रिट में, और यहाँ से हम बहुत केसेस में हमने स्टे लिया। फिर कोर्ट फर्दर विजिलेंट हुई, महकमा भी फर्दर विजिलेंट हुआ, फिर उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ट्रिब्यूनल के पास पावर है स्टे देने की और ये ऑर्डर कमिश्नर का आ गया एंड दैट ऑर्डर इज अपीलेबल बिफोर ट्रिब्यूनल, तो आपको तो आप उधर से होकर आना पड़ेगा। फिर हमने वो गाड़ी का कांटा बदला तो हम ट्रिब्यूनल में जाना शुरू हो गए। तो वो वहाँ से ट्रिब्यूनल से अगर स्टे मिल जाता था तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल है और होती थी कि हम हाई कोर्ट में जाते थे और वहाँ से हम स्टे मिल जाता। फिर इसमें एक नया मोड़ आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला की एक जजमेंट आ गई जिसमें उन्होंने वोट कर दिया कि 180 डेज से भी ज़्यादा ट्रिब्यूनल स्टे दे सकता है। हालांकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन कहती है कि 180 डेज से ज़्यादा स्टे नहीं दिया जा सकता। उस जजमेंट आने के बाद हमारा एक रास्ता फिर बंद हो गया हाई कोर्ट का, फिर हम ट्रिब्यूनल से स्टे लेते रहते थे। अब लेटेस्ट जो सूरत हाल आई आपके सामने है, इस साल जो फाइनेंस एक्ट आया उसमें एक प्रोविजो आ गई 131(5) में, जिसमें कह दिया गया है कि 180 डेज के बाद स्टे जो है अगले दिन से ऑटोमेटिकली सीज हो जाए। फिर एक रास्ता लॉयर्स के लिए खुला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का कि उन केसेस में हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैंने जुलाई के पहले वीक में तकरीबन 25-30 केसेस में जो है उस हम वहाँ गए और वहाँ से हमें स्टे मिल गया, इवन स्टे के अंदर डिसीजन अपील मिल गया। तो ये होता है कि हमारी ये जो रेमेडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, क्योंकि फिजिकल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इस तरह की बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए रास्ता मिलता है, क्योंकि कहा यही जाता है कि जी आप अपनी नॉर्मल रेमेडी में जाए। हमारी प्रैक्टिस का और सिविल साइड क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फर्क यही है। सिविल साइड में बहुत मामला आता है, बहुत इश्यूज हैं जिसपे डायरेक्ट हाईकोर्ट में जाया जा सकता, पोस्टिंग के मामला दूसरे तीसरे बेतहा इश्यूज ऐसे होते हैं कि उसमें रिट का स्कोप बहुत ज्यादा है, वेयर एज फिजिकल लॉ में रिट का स्कोप बहुत लिमिटेड है और उसके लिए हमें रास्ता बनाना पड़ता है। अभी माय लॉर्ड की भी जजमेंट उस पर आई जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लग्जरी टैक्स लगाया घरों पर, तो उस पर लोगों ने रिट्स की, लॉ की आपकी केस है उस पर माय लॉर्ड ने होल्ड किया कि नहीं, इसके लिए शोकाज देना जरूरी है, स्टेट अवे जो नोटिस जाना शुरू हो गए कि इतना टैक्स जमा करा रहे हैं, इस तरह देवी नहीं हो सकते। तो ये है कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को अवेल करना और उसको उसके लिए रिलीफ लेना बहुत बड़ा एक आर्ट है।
और ये by the passage of time आता है, उसके लिए बड़ी मेहनत करके जजमेंट पुरानी ढूंढ के और उसको लेकर अगर हम चले तो फिर हमारा भी एक स्कोप बनता है। और मेरी तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मेरा सारा हाई कोर्ट की प्रैक्टिस है जिस पर हम चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये वो चंद इश्यूज हैं जिन पर काम करके हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी को सीक कर सकते हैं और रिलीफ ले सकते हैं कोर्ट के लिए। लेकिन बीइंग लॉयर हमें इस लिहाज से थोड़ी एहतियात भी करनी चाहिए। मैंने तो अपना एक प्रिंसिपल रखा हुआ है कि मेरे पास पार्टी है लर्निंग लेकर आती है। अभी कल मैं अपने कुछ लाहौर के दो तीन साथियों से डिस्कस कर रहा था, करंटली 214 डी का जो इशू आया है कि वीएन जो है मिट कर दी गई है फ्रांस एक्ट में से, तो अब 214 डी की सिलेक्शन बिफोर 30 जून एंड आफ्टर 30 जून लॉ की क्या सोच है। मेरे पास तकरीबन 9-10 केस आए हुए हैं अभी मैं सोच रहा हूँ। तो मेरा तो एक असूल है कि रिट दायर करने से पहले बहुत सोच के अगर केस बनता हो चले 100% नहीं, कम अज कम केस में 5-10% 20% जान हो कि हम उसको चला सकते हैं तो उस सूरत में जाना चाहिए। ये प्रोफेशनल एथिक का भी एक हिस्सा है कि बिना जरूरत लिटिगेशन एट द कास्ट ऑफ क्लाइंट नहीं करनी चाहिए। मैंने तो अपना एक लाइफ का एक असूल बनाया है कि जहां को केस बनता हो उसी केस को लेकर हम हाईकोर्ट जाएं, वरना नॉर्मल रेमेडी में हम जाएं जो नॉर्मल फिस्कल में जो हमारे पास कमिश्नर अपील का रास्ता है, ट्रिब्यूनल का रास्ता है और रेफरेंस का रास्ता है, उस रास्ते पर जाएं। तो ये वो सूरत-ए-हाल चंद एक सिचुएशंस हैं जहां हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी को अवेल कर सकते हैं और इसे बड़ा टैक्टफुली जो है वो अवेल करना चाहिए और किया जा सकता है। मैंने आपकी सहूलत के लिए मोस्टली जजमेंट्स डेफिनेटली आपके पास भी होंगी, तो मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिट ऑन पॉइंट ऑफ शो कॉज नोटिस के ऊपर मैंने कुछ जजमेंट्स इसमें मेंशन किए हैं और इसमें कुछ जजमेंट मैंने नोट किए हैं जो पेंडेंसी ऑफ अपील बिफोर ट्रिब्यूनल एंड CIR अपील उस सूरत में भी हाईकोर्ट ने स्टे ग्रांट किए हुए हैं, उन सारी जजमेंट का भी मैंने यहाँ हवाला दिया है। तो बात यह है कि ये जो टॉपिक जो मुझे दिया गया है, इस टॉपिक के हवाले से हमारे इसके गाँव में अगर सबसे ज़्यादा गुंजाइश बनती है हाईकोर्ट में वो है कस्टम एक्ट। कस्टम में बहुत इशू ऐसे होते हैं कि जिसमें हम हाईकोर्ट में बड़ा इजीली जा सकते हैं और रिलीफ ले सकते हैं। उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक है, रेगुलेटरी ड्यूटी है, नई जो ड्यूटीज लगती हैं उसके हवाले से वैल्यूएशन का इशू है, इस किस्म के काफ़ी इश्यूज हैं कस्टम में कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है हाईकोर्ट में जाने का और वहाँ से रिलीफ लेने का। एज कम्पेयर टू कस्टम, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज जो हमारे एक्ट हैं उनमें बहुत कम स्कोप है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि उनमें सिर्फ इन सिचुएशन में बड़े एहतियात से चलते हुए अगर हम आगे चलें तो हम वो रिलीफ ले सकते हैं। हाईकोर्ट का हमेशा से ये रहा है, अप्रोच रही है जजिस की और ख़ास तौर पर जो हमारे जजिस हजरात जिनका थोड़ा बहुत टैक्स का बैकग्राउंड है उनकी अप्रोच रिट के हवाले से काफ़ी बेहतर है। करंटली सिचुएशन जैसे मैंने पहले कहा काफ़ी चेंज होती जा रही है, लेकिन फिर भी जो टैक्स बैकग्राउंड के जजिस हजरात हैं उनके सामने अगर हम केस आर्गू करें तो बड़ा आसानी हो जाती है। हमारे लिए आप सबके लिए ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है कि टैक्स मैटर अगर किसी ऐसे जज साहब के सामने हम आर्गू करें जिनका टैक्स बैकग्राउंड ना हो, वहाँ केस को आर्गू करना, प्रोपोजिशन को एक्सप्लेन करना, प्रोपोजिशन के ऊपर कोर्ट को असिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम, और उसके लिए बड़ा टेम्परामेंट चाहिए, उसके लिए बड़ी अप्रोच चाहिए। मुझे ये एक्सपीरियंस
हमारा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वहाँ टैक्स बैकग्राउंड जज को ही थी, और वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के काम करना और उन जजेस के सामने टैक्स मैटर को लेके चलना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर अच्छे तरीके से किसी केस को आर्गू किया जाए और उस पर समझाया जाए तो बड़ी अच्छी अच्छी जजमेंट्स आ सकती हैं। जैसे सेक्शन 36 की लिमिटेशन के हवाले से इससे पहले काफ़ी जजमेंट थी लेकिन उनमें सारे इश्यूज को थ्रैश आउट भी किया गया था। तो मेरी एक जजमेंट है प्योर वालों केस है जो कि अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड हुई, उसमें मैंने वो केस आर्गू किया मिसेस जस्टिस शौकत सदीकी साहब के पास और कासी साहब के उनकी डीवी थी। अब मेरे लिए बहुत बड़ा एक मरला था कि उनके सामने टैक्स केस को मैं आर्गू करूँ, लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो टैक्स केस मैंने वहाँ उनके सामने था वो रेफरेंस, उसमें मैंने वो इशू को आर्गू किया, लेकिन फॉर्चुनेटली एक बहुत अच्छी जजमेंट आ गई वो, और उसमें वो तमाम इशू कि ये प्रोविजन डिक्लेरेटरी है, मैंडेटरी है, लिमिटेशन की क्या सिचुएशन है, इसके सारे एस्पेक्ट जो है उस जजमेंट में हाईलाइट हो गए और क्लियर हो गए, और अल्टीमेट वो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड हुई। और उसके बाद अब जो आ गई है चीफ साहब की जो जजमेंट सेक्शन 36 पर, वो बहुत ज़्यादा एलिबोरेट आके उन्होंने अल्टीमेट ये मामला रिजॉल्व कर दिया कि सेक्शन 36 की लिमिटेशन जो है ये मैंडेटरी प्रोविजन है और ये लिमिटेशन को फॉलो किया जाएगा, अगर बियॉन्ड द लिमिटेशन अगर ऑर्डर हुआ है तो वो ऑर्डर इलीगल है वाइड है। सो आए एक उन्होंने लिवरेज दी महकमे को सेक्शन 74 के हवाले से, उसमें वो उसको भी लिमिट कर दिया कि मैक्सिमम 6 महीने 180 दिन की हद तक वो एक्सटेंशन दे सकते हैं, बाकी नहीं, वो भी हर केस में नहीं और केस में भी रीजन के साथ। तो ये होता है कि अगर आप अदर देन टैक्स जज भी केस को आर्गू करें और अच्छे तरीके से आर्गू करें तो रिलीफ मिल जाता है। अब एक जो महारत का काम है हमारी इसका प्रैक्टिस में वो ये है कि हमने ये साबित करना है कि ये नोटिस वाकई विदाउट लॉफुल रिजर्वेशन, अगर किसी नोटिस को हमने रिट में चैलेंज किया तो वकालत की जो एक्सपर्टी है वो ये है कि हमने ये साबित करना है कि ये नोटिस कैसे विदाउट जुरिस्डिक्शन है और इलीगल नोटिस कैसे है, क्योंकि सबसे पहले कोर्ट का जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो यही आता है कि ये प्रोविजन के टाइम नोटिस तो दे सकते हैं, कंसर्न ऑफिसर के पास ये तो पावर है, तो नोटिस के हवाले से रिट में हमें ये एस्टेब्लिश करना कि जी नोटिस तो दे सकते हैं लेकिन ये नोटिस विदाउट लॉफुल ज्यूरिडिक्शन है क्यों है, असल सबसे बुनियादी चीज जो है वो एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, वो ये करनी पड़ती है। तो रिट में रहते हुए एक लिमिटेड स्कोप के सामने रहते हुए हम जब मामला को लेकर चलते हैं तो उसमें जो एक सबसे बड़ी टैक्टफुल बात होती है वो ये होती है कि हमें कोर्ट को अपने साथ लेके चलना पड़ता है, जैसा कोर्ट जिस तरफ जा रही है उसको साथ लेकर अगर चलेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। ये देखने में चीजें आई हैं कि कई हमारे साथी कुलीग जो है वो जज को इनॉय कर देते हैं अपना रिलीफ लेने के लिए, कुछ ऐसी बातें स्टार्ट पर ही कर देते हैं, फर्स्ट किया रिट दायर की है अभी पहली पेशी है उसमें, वो पहला टेक्निक तो ये होनी चाहिए कि पहली पेशी पर एक दफा केस को पंजाबी कहने में अड़ाना फसाना आपसे केस, तो वो केस को एक दफा हमने एडमिट कराना है लोटस करवाना है, अगर हमने लोटस करा दिया तो समझे आधा केस तो आपने वहीं जीत लिया। तो उस सूरत में जज के माइंड को पढ़ के और उसके साथ लेकर अगर आप चले तो फिर कोर्ट से रिलीफ लेना बड़ा आसान होता है, और हम इस इशू को आगे लेकर चलते हैं और फिर अल्टीमेट ये सिचुएशन बन जाती है कि वो आपको रिलीफ देने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोर्ट में आर्गू करते हुए आपने कोर्ट को नाराज कर दिया, जज साहब को नाराज कर दिया, नाराज़गी के मतलब बिल्कुल इस किस्म की सिचुएशन बना दी, तो
कई दफा होता है कि ऐसा केस जो बड़ा अच्छा केस होता है उसमें रिलीफ मिलने का पूरा चांस होता है, वो हम रिलीफ नहीं ले पाते, और उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि कोर्ट में कोर्ट को अपने साथ लेकर चले और कोर्ट के साथ चले। अभी सर के नॉलेज में है, सबके बताया कि पीछे यहाँ आए हुए थे, तो मैं एक केस आर्गू करने के लिए खड़ा हुआ कोर्ट में, आर्गू के मेरा केस बड़ा वीक केस था, लेकिन जैसे ही कोर्ट के मतलब मैंने आर्गूमेंट शुरू किए तो मैंने देखा कि कोर्ट का क्या मूड है, जज साहबान का क्या मूड है, किस तरह मैंने वो केस आर्गू करना, उसी लाइन पर मैंने आर्गू करना शुरू किया और उन्होंने किया कि अल्टीमेट मैंने उसमें फुल रिलीफ ले लिया जल्दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है वकील के लिए कि कोर्ट के माइंड को पढ़ना, जज की एटीट्यूड को पढ़ना, जज के एटीट्यूड के साथ कोर्ट को लेकर चलने चलना, ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है। अगर हम में ये चीज़ आ जाए, और ख़ासतौर पर हमारे यंग लॉयर में जो सबसे बड़ी कमी मैं देखता हूँ अपने लॉयर में, वो एकदम फ्लेयर अप हो जाते हैं कोर्ट में, एकदम हाइपर हो जाते हैं, उस सूरत में कोर्ट से रिलीफ नहीं दिया जा सकता। और ख़ासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के हवाले से जब आप गए हुए हैं, जो बड़ा नाजिक सा स्टेज होती है, रेफरेंस में हो तो और सिचुएशन होती है, लेकिन जब आप रिट में हैं तो उस सिचुएशन में कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए हमें कोर्ट को साथ लेके चलना चाहिए, कोर्ट के साथ साथ चलें, आहिस्ता आहिस्ता लेके केस को आगे चलें, तो यकीनन कमजोर से कमजोर केस भी इन दी एंड उसमें भी वकील जो है कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं। तो इस लिहाज से मेरा टॉपिक को मैं कंक्लूड करता हूँ कि फिस्कल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो बहुत कम, बड़ा लिमिटेड उसका स्कोप है, लेकिन उस लिमिटेड स्कोप के अंदर रहते हुए अगर ये 6-7 पॉइंट्स पर आपके पास वो केस आता है तो इस पर आप लेकर अगर आगे चले तो रिलीफ लिया जा सकता है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा आखिरी टॉपिक पर मैं बात करूँ, वो ये है कि आपको पता है कि हमारे ये जितने लॉज हैं फिस्कल लॉ, इनमें हमारी रेफरेंस सिर्फ हाई कोर्ट तक, उसके बाद जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सीपीएलए में आते हैं, वो एप्रेल जुडिशन सुप्रीम कोर्ट की हमारे स्टैट्यूट में नहीं दी हुई, वो नॉर्मल रेमेडी के तौर पर हम जाते हैं और सीपीएलए में लीव ग्रांट करवा कर फिर हम अपना केस लेकर आगे जाते हैं, क्योंकि पहले पुराने वक्तों में इंडेक्स में प्रोविजन थी अपील टू सुप्रीम कोर्ट की, जो कि बाद में खत्म हो गई। करंटली देयर इज नो प्रोविजन इन एनी फिस्कल स्टैट्यूट जहां सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रोविजन दी गई है, तो उसको हम सीपीएलए में से लेके जाके, सीए नहीं है हमारी बल्कि सीपीएलए है, उसमें लेके जाके पहले लीव ग्रांट कराते हैं और फिर जाके वो अपील हमारी सुनी जाती है। तो ये सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी। और इजाफी बात जो मैंने पहले बता दी वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट में एक इजाफी चीज़ है कि आप सिविल सूट के तौर पर भी टैक्स मैटर को लेके जा सकते हैं, जबकि बाकी किसी हाई कोर्ट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर।